देखो मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता जो भी जिम्मेवार होगा जो भी कोई होगा उसको छोड़ा नहीं गया। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा जो भी कोई होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने NTA की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो UGC नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और CBI इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कंप्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्द ही हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट के सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है, एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंडअप कर पाया है, कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है। और हम फिर कहना चाहेंगे लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है, हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघरे में आ जाए।